New Hope TV, your encounter with God. I want to just get into the word now. Let's go to the book of Hebrews chapter 1. निकालेंगे इब्रानियों के पत्र उसके पहले अध्याय में. And let's read from verse 1. और आइए पढ़ेंगे उसके पहले वचन से. It says, God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets. वचन में ऐसा लिखा है, पहले के युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया. As in these last days spoken to us by his son, whom he has appointed heir of all things. और जैसे इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया. Through whom also he made the worlds. और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है. There are four things I want to bring out today over here. देखिए चार चीजें हैं जो आज आपके सामने पेश करना चाहते हैं. The first thing it says. पहली चीज जो है. God spoke at various times. परमेश्वर ने अलग अलग समय में बोला. There is a time when God speaks. ऐसा एक समय होता है जब परमेश्वर बोलता है. It is at such times we must listen, be tuned to the voice of God. और ऐसे समय में हमें ध्यान से सुनना है परमेश्वर की आवाज की और हमें पूरी तरह से चौकन्ना होना है. These are times of direction. और ये समय होता है दिशा निर्देशन पाने का. The Bible says God spoke at various times. और बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने अलग अलग समय में बोला. Maybe it can be through a preacher. हो सकता है ये प्रचारक के जरिए. It can be through the prophetic. भविष्यवाणी के सत्र के जरिए हो सकता है. Many times when God speaks, we are not tuned. And in this way, we can miss what God has for us. और देखिए बहुत बार ऐसा होता है जब परमेश्वर बोल रहा होता है तो हम हमारे कान उसकी आवाज की ओर नहीं लगाते और इससे जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है हम उससे चूक जाते हैं. It's like the seed that was sown by the wayside. और ये ऐसा है जो कि बीज बोया गया है रास्ते के किनारे पर. What is a wayside? और ये रास्ते किनारे पे क्या है? A wayside is full of distraction. और ये पूरी तरह से वहाँ पर भ्रम है, तकलीफें हैं. Whenever the word is spoken. और जब कभी वचन बोला जाता है. You should be attentive. आपको पूरी तरह से ध्यान लगाना चाहिए. Whenever God speaks, you must be attentive. You must say, God speak to me. I'm listening. और जब कभी परमेश्वर बोल रहा होता है, आपको पूरी तरह से ध्यान लगा कर कहना चाहिए, परमेश्वर बोल, मैं सुन रहा हूँ. Because you see, God even speaks today. क्योंकि आप देखते हैं परमेश्वर आज भी बातें करता है. Let's go to the next one. चले जाते हैं अगली बात पे. It says, God spoke in various ways. और देखिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने अलग-अलग तरीकों से बातें किया. God has different ways of speaking. परमेश्वर के पास बातें करने का अलग-अलग तरीका है. God can speak through dreams. परमेश्वर सपनों के जरिए बोल सकता है. God can speak through his word. परमेश्वर अपने वचन के जरिए बोल सकता है. God can speak through a message like this. परमेश्वर इस प्रकार के संदेश के जरिए आपसे बोल सकता है. So God does not have one specific way of speaking. तो आप देखते हैं परमेश्वर के पास बोलने का बस एक ही खास कोई तरीका नहीं है. It's not a formula. ये कोई फॉर्मूला नहीं है. Hello, God can speak through little children. God can speak through circumstances of life. So there are various ways that God can speak to you. देखिए परमेश्वर छोटे बच्चों के जरिए बोल सकता है. परमेश्वर जिंदगी में जो परिस्थितियां और हालात है उनके जरिए हमसे बात कर सकता है. तो अलग अलग तरीके हैं जिसको इस्तेमाल करके परमेश्वर हमसे बातें कर सकता है. Blessed is the man, blessed is the woman who is waiting to listen to the voice of God. आशीषित है वो मर्द, आशीषित है वो महिला जो इंतजार में रुके रहते हैं परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए. Many years ago, कई साल पहले, I wrote to a great man of God. परमेश्वर के महान जन को पास बचन लिखे. Who spent 6 hours in prayer. जो 6-6 घंटे प्रार्थना में बिताया करते थे. Let me tell you this. बताने दीजिए. I've learned so much from this great man of God. और परमेश्वर के इस महान जन से पास बचन बहुत कुछ सीखे. And he wrote to me and said, son. और उन्होंने लिखते हुए कहा, बेटे. Learn to be attentive to the voice of God. परमेश्वर की आवाज की तरफ ध्यान देने को सीखो. He says God can speak at any time, in any way. परमेश्वर किसी भी समय में किसी भी तरीके से बात कर सकता है. Be tuned. तैयार रहना सुनने के लिए. So you see, this is what I always try to see. What is happening around me? How to discern? Is there a message for me? Is there a word for me? This is the way you must approach your life. और इसीलिए देखिए पासबा जी हमेशा इस बात के लिए परखते रहते हैं कि जो हालात इनके आसपास हो रहे हैं क्या इसके जरिए परमेश्वर मुझसे कुछ कहना चाहता है, क्या परमेश्वर कोई संदेश दिखा रहा है. देखिए इसी तरीके से आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए. David was facing a famine again and again. हम देखते हैं दाऊद ने बार बार लगातार अकाल का सामना किया. Once, twice, thrice. एक बार, दो बार, तीसरी बार. He saw the famine in his life. और अपने जिंदगी में उसने अकाल को देखा. And he said, God, what are you trying to tell me? और वो कहता था, परमेश्वर आप क्या मुझसे कहना चाहते हैं? What is the reason for this famine? और इस अकाल का कारण क्या है? You see, things are happening again and again in your life. आप देखते हैं आपकी जिंदगी में चीजें लगातार बार बार घटती रहती हैं. The same things. वही चीजें. God, are you trying to tell me there is a reason for this? परमेश्वर क्या आप मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई कारण है? And when you are tuned like this, और जब आप इस प्रकार से ध्यान लगाते हैं, God will speak to you. परमेश्वर आपसे बात करेगा. Many of you get dreams. आप ऐसे बहुत सारे लोगों को सपना आएंगे. But you get up and say, okay, I'll think about it later. लेकिन
ऐसा होने के बाद आप उठते हैं और कहते हैं और ठीक है मैं बाद में सोचूंगा इस बारे में। You miss precious instruction from God for your life, for your business, whatever area of your life. और परमेश्वर की ओर से आपकी जिंदगी के लिए, आपके व्यवसाय के लिए या फिर आपके जीवन किसी भी क्षेत्र के लिए जो बहुमूल्य निर्देशन मिल रहा होता है उसे आप चुक जाते हैं। The third thing he says, God spoke in times past. और तीसरी बात ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने बीते समय में बातें किया। Many people write to me and say God doesn't speak to me. और देखिए बहुत सारे लोग ऐसा लिखते हुए कहते हैं कि परमेश्वर बातें नहीं करता। The reason God doesn't speak is because you did not do what He spoke to you earlier. Come on. और इस वजह से परमेश्वर की आवाज आप नहीं सुन पा रहे क्योंकि जो परमेश्वर ने आपसे पहले कहा था आपने उसका पालन ही नहीं किया। See, God told the blind man. हम देखते हैं परमेश्वर ने उस अंधे व्यक्ति से कहा। You see, God communicated to him through his ears because he was blind. और देखिए क्योंकि वो अंधा था तो परमेश्वर ने उससे वार्तालाप किया उसके कानों के जरिए। The Pharisees were not blind, so he wrote on the mud. तो आप देखते हैं फरीसी लोग अंधे नहीं थे इसलिए हम देखते हैं यीशु मसीह को मिट्टी पर कुछ लिखते हुए। But he knew this man was blind, so he didn't write on the mud. He spoke to that man. What am I trying to say? God knows how to speak to you, but you and I, we need to be attentive to what God is saying. Somebody say hallelujah. लेकिन यीशु जानता था कि ये व्यक्ति जो है वो अंधा है, वो देख नहीं सकता मिट्टी पर कुछ लिखते हुए। इसलिए यीशु ने उसके कानों में उससे बातें की। तो इसका मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पास अलग अलग तरीके हैं आपसे बातें करने के लिए, बस आपको सुनने के लिए चौकन्ना रहना है। Say, Lord, कहे प्रभु, I will obey what you have spoken to me. जो आपने मुझसे कहा था मैं उसका पालन करूंगा। Many people are looking for a prophetic word and another one, but what about the one that you've already received? और देखिए बहुत सारे लोग जो इंतजार में रुके रहते हैं एक के बाद दूसरा भविष्यवाणी का वचन पर भविष्यवाणी का वचन पाते रहे, लेकिन जो आपने पहले पाया था उसका आपने क्या किया? God spoke in times past. What did you do with that? और परमेश्वर ने बीते समय में आपसे बातें किया, आपने उसके साथ क्या किया? The good news is this. अच्छी खबर यह है। Fourth one, God speaks today and will continue to speak to us. चौथी बात यह है कि परमेश्वर आज हमसे बातें करता, लगातार हमसे बातें करता रहता है। So this is what we find in verses 1 and 2. और यही हम पाते हैं पहले और दूसरे वचन में। Somebody lift your hands and shout a hallelujah right now. चले कोई तो अपने हाथ उठाकर चिल्लाएंगे हालेलुया। This is why we call him the living God. और देखिए परमेश्वर बातें करता है और इसीलिए तो हम उसे जीवित परमेश्वर कहते हैं। So this is the first thing I want to bring out today. तो ये पहली चीज है जो आज आपके सामने पेश करना चाहते हैं। Can I tell you today right now? क्या आपको बता सकते हैं इस वक्त? That this night, कि आज की रात, the Lord will speak to you. परमेश्वर आपसे बातें करेगा। I'm not lying to you. झूठ नहीं बोल रहा आपसे। I see people right now. पासवान जी देखते हैं लोगों को। The Lord is opening your ears to receive from the Lord in the name of Jesus. परमेश्वर आपके कानों को खोल रहा है ताकि आप प्रभु की ओर से उन बातों को पा सके। The Holy Spirit gave me a word for you. पवित्र आत्मा ने पासवान जी को वचन दिया आपके लिए। I'm telling you. कहते हैं आपसे। Your time of confusion is over. आपकी गड़बड़ी का समय खत्म हुआ। Your time of going in circles is over. और आपका चक्कर काटते रहने का समय जो था खत्म हुआ। Your time of not sure is over in the name of Jesus. Come on. अनिश्चितता की स्थिति में रहने वाला आपका समय खत्म हुआ। I prophesy this over your life in the name of Jesus. आपकी जिंदगी पर इस बात की भविष्यवाणी करते हैं यीशु के नाम में। The Lord is saying to you. प्रभु आपसे कह रहा है। Psalm 32 and verse 8 right now. भजन संहिता का अध्याय 32 का 8वां वचन। This is a prophetic word for the rest of your life. Write it down. ये आपके जिंदगी के बाकी दिनों के लिए भविष्यवाणी का वचन लिख लीजिए। The Holy Spirit says, I will instruct you and teach you in the way you should go. पवित्र आत्मा ऐसा कहता है कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। I will guide you with my eye. अपनी आंखों से मैं तेरी अगुवाई करूंगा। You see, the eye is the spirit of God. आप देखते हैं आंखें जो है ये तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। Somebody lift your hands and shout hallelujah. कोई तो अपने हाथ उठाकर चिल्लाए हालेलुया। Pastor, how do you think that eye is the Holy Spirit? You see, when Gehazi went to the king to ask for those garments, you know what prophet Elijah said? Gehazi, didn't my spirit go along with you to see what you were doing? अगर आप कहते हैं कि पासवान जी आप कैसे कह रहे हैं कि आग जो है ये पवित्र आत्मा है, आप देखते हैं कि जो गेहाजी जब राजा के सामने खड़ा हुआ था उससे चीजों को मांगने के लिए, तब भविष्यवक्ता ने उससे कहा कि गेहाजी जब तू वहां पे खड़ा था उससे मांग ले, क्या मेरी आत्मा तेरे साथ नहीं गई थी? The Spirit sees all things. आत्मा हर एक चीजें देखता है। Holy Spirit will come upon you and guide you into all things. Lift your hand and say, I receive it in the name of Jesus. पवित्र आत्मा आप पर उतर आएगा और आपकी अगुवाई करेगा हर एक चीजों में। अपने हाथ उठाकर कहें, मैं ग्रहण करता हूं। This is a prophetic word for you. ये भविष्यवाणी का वचन है आपके लिए। Say, Lord, speak to me, O God. प्रभु मुझसे बातें कर। स्पीक टू मी लॉर्ड, मुझसे बातें कर। गिव मी द डिसर्नमेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्पीकिंग टू मी ओ गॉड। और जो आप मुझसे कहना चाह रहे हैं प्रभु उसे समझने के लिए मुझे परख करने का वरदान दे। व्हेनेवर द होली स्पिरिट स्पीक्स टू यू, बी रेडी इन दैट पोजीशन। देखिए जब कभी पवित्र आत्मा आपसे बातें करने लगता है उस जगह पर आपको तैयार रहना है। ओके, लेट मी टेक इट अ लिटिल फर्दर। गो विद मी टू द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 4। हैविंग बिकम सो मच बेटर देन द एंजल्स। नाउ वॉच दिस। और देखिए वचन में आगे लिखा, और स्वर्ग दूतों से उतना ही उत्तम ठहरा। दिस स्पीक्स अबाउट द Lord Jesus. ये बताती है हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। It shows us that Jesus, he became better than the angels. Now there are
different kinds of angels. Please listen to me. देखिए ये वचन जो हमें बताता है कि यीशु मसीह स्वर्गदूत से ज्यादा उत्तम ठहरा, और आपको ये भी बताता है कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग किस्म के स्वर्गदूत हैं. There are seraphim. साराप नामक स्वर्गदूत हैं. There are cherubim. करूब नामक स्वर्गदूत हैं. There are archangels. और प्रधान याजक स्वर्गदूत भी हैं. There are so many different types of angels which I don't want to go into. और अनेकों अलग अलग प्रकार के स्वर्गदूत हैं जिसमें नहीं जाना चाहते चर्चा. Do you know the seraphim has six wings? आप जानते हैं साराप के 6 पंख हैं. Isaiah chapter 6. यशायाह के 6वें अध्याय में. And the word of God tells us. और फिर परमेश्वर का वचन कहता है. Jesus is better than the angels. यीशु स्वर्गदूतों से उत्तम हैं. The Bible says. बाइबल कहती है. One angel killed 185,000 people in one shot. Jesus is better than the angels. How many of you are listening right now? बाइबल ऐसा कहती है कि एक स्वर्गदूत ने 185,000 को बस एक ही बार में मार डाला. यीशु उनसे भी ज्यादा उत्तम है. Go to the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जाए. There one angel is standing one leg on the sea and one leg on the earth, and he's so huge that John the apostle bows before him to worship him, and he says, "I am a fellow servant like you. Don't worship me. Worship God." Hallelujah. प्रकाशित वाक्य में देखते हैं ऐसे विशालकाय स्वर्गदूतों को, एक पांव जो है समुद्र पर रखा हुआ और दूसरा पांव जो है धरती पर रखा हुआ, और जब यूहन्ना प्रेरित ने उन्हें उसको देखा तो उसके सामने दंडवत करने के लिए गिर पड़ा. तब उस स्वर्गदूत ने उससे कहा कि मेरी आराधना मत करना, सिर्फ यीशु की, परमेश्वर की आराधना करो. Jesus is better than the angels. हम देखते हैं यीशु स्वर्गदूतों से ज्यादा श्रेष्ठ है. Somebody shout hallelujah. कहे चिल्ला हालेलुया. Do you want God to speak to you? आप चाहते हैं परमेश्वर से बातें करें? Then I don't know why, but this is a word for you. तो जानते नहीं क्यों, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से वचन है आपके लिए. पता somebody. नहीं क्यों ये ऐसा कह रहे हैं. Many times, बहुत बार. There are people that will take their prayer request to angels. ऐसे लोग होते हैं जो अपनी प्रार्थना गरजों का स्वर्गदूतों के सामने पेश करेंगे. I want a baby. मुझे बच्चा चाहिए. So I will take my prayer request to angel Gabriel. तो मैं अपनी प्रार्थना गरज को स्वर्गदूत जिब्राइल के पास ले जाऊंगा. Jesus is better than the angels. Come on somebody. यीशु स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है. I want you to understand this truth. चाहते हैं आप इस सच्चाई को समझ जाएं. Oh Michael the archangel is so powerful. Oh Michael प्रधान स्वर्गदूत ये तो बहुत ही शक्तिशाली है. So let me go to Michael the archangel. तो चलो मैं मिखाएल प्रधान स्वर्गदूत के पास जाता हूं. They think that Michael the archangel can bless them and can help them in their warfare. Please listen to me. Michael the archangel is assigned to the blessed nation of Israel. His purpose is Israel. So he's not giving you a job. He's not giving you this. Jesus is better than the angels, says the word of God. Somebody say, I receive it. Come on. Michael, आपकी मदद करेंगे, वो आपके लड़ाई लड़ेंगे. हम देखते हैं कि प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल को इज़राइल राष्ट्र के लिए खास करके ठहराया गया है, और देखिए वो आपके नौकरी नहीं देंगे. यीशु मसीह जो है वो स्वयं स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ हैं. Somebody lift your hand and say, Jesus is better than the angels. कोई तो अपने हाथ उठाकर कहे, यीशु स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ हैं. Meaning what? मतलब क्या? He is on a different level. वो बिल्कुल अलग स्तर में है. So today, तो आज, this is a word for some of you. ये आप में से कुछ लोगों के लिए वचन है. Many times God does not speak to a person because he or she is not in the right flow of things. और देखिए परमेश्वर किसी व्यक्ति से या किसी महिला या मर्द से बोलता नहीं है, क्योंकि वो जो है, वो व्यक्ति जो होते हैं, वो सही बहाव के स्तर में नहीं होते. The moment you start moving in the direction the Lord is speaking, you will start hearing his voice clearly. और देखिए जिस पल आप अपने आप उस दिशा की ओर मोड़ लेते हैं जहां परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, तो देखिए आप उसकी आवाज तुरंत सुनने लग जाएंगे. If the speakers are facing in that direction, अगर स्पीकर देखिए उस दिशा में है, you need to walk in that direction. तो आपको उस दिशा में ही आगे बढ़ना पड़ेगा. The voice becomes more clearer, clearer, clearer. Are you with me right now? तो आवाज जो है और साफ होती चली जाएगी. आप साथ में हैं? If you walk away from those speakers, लेकिन अगर आप उस स्पीकर से दूर चले जाएंगे, the voice will become softer and softer and softer. You're walking, but you're walking in another direction. तो आवाज जो है और भी धीमी पर धीमी धीमी होती चली जाएगी. आप चल रहे हैं, लेकिन आप गलत दिशा में जा रहे हैं. Thank God for great men and women of God. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के महान सेवकों के लिए, महान सेविकाओं के लिए. We have gone to be with the Lord. जो प्रभु में महिमा में चले गए. We can't take our prayer request to them. हम अपनी प्रार्थना करो उसको उनके पास ले जा सकते. Jesus is better than the angels. Hallelujah. यीशु स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ हैं. Hallelujah. You listening right now? ये तो सुन रहे हैं. So today I want to give you four things that how Jesus is better than the angels. Listen to this right now. आज के चार चीजें आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कि कैसे यीशु स्वर्गदूतों से ज्यादा श्रेष्ठ हैं. And I want to challenge every one of you. और आप में से हर एक को चुनौती देते हैं. Today, आज रात. You must say this. आपको कहना चाहिए. Lord Jesus. प्रभु यीशु. You are better than the angels. आप स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ हैं. Speak to me, Lord. मुझसे बातें करते हैं. And I guarantee you. और आपको वादा करते
tonight you will hear the voice of the Lord. Hallelujah. प्रभु की आवाज को सुनेंगे. You want to come out of that pit, you want to come out of that problem, listen to this word. God will bring you out. Hallelujah. आप उस गड्ढे में से, उस समस्या में से बाहर आना चाहते हैं तो सुनिए इस वचन को. परमेश्वर आपको बाहर लाएगा. He will show you what you are not doing right. वो आपको दिखाएगा कि क्या दरअसल आप सही नहीं कर रहे हैं. And he will bring you out, your business, your marriage, you are not married, something like that. God will do something big in your life today. और परमेश्वर देखिए आपके व्यवसाय में, आपके शादीशुदा जीवन में, अगर आप अविवाहित हैं, देखिए किसी न किसी तरीके से परमेश्वर आज आपको आशीष देगा. The first thing, पहली चीज, write this down. चलिए लिख. For to which angels did he ever say, "You are my son, today I have begotten you"? पांचवें वचन में, क्योंकि स्वर्गदूत में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ? Write this down. Jesus is better than the angels because he has a more excellent name than them. हम देखते हैं यीशु स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ हैं क्योंकि यीशु ने स्वर्गदूतों से ज्यादा उत्तम नाम को पाया है. Somebody say amen. कोई कहे आमेन. See, God, no angel, he called his son. और आप देखते हैं परमेश्वर ने कभी किसी भी स्वर्गदूत को अपना पुत्र, अपना बेटा नहीं कहा. Further on it says, आगे कहता है, and again it says, I will be to him a father and he shall be to me a son. और देखिए आगे ऐसा लिखता है, और फिर से यह है कि मैं उसका पिता होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा. He did not call Gabriel his son. परमेश्वर ने जिब्राइल को अपना बेटा नहीं कहा. He did not call Michael Archangel his son. He did not call Seraphim his son. Only he called Jesus his son. परमेश्वर ने प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल को अपना बेटा नहीं कहा, किसी साराप को अपना बेटा नहीं कहा, परमेश्वर ने सिर्फ यीशु को ही अपना बेटा कहा. This is the true church. एक सच्चाई कलीसिया. Jesus is bigger and better than the angels. यीशु स्वर्गदूतों से बड़े और श्रेष्ठ हैं. That's why he is called Lord. इसलिए वो कहलाते हैं प्रभु. That's why he is called Master. और इसलिए उन्हें मास्टर, स्वामी कहते हैं. Hallelujah. Okay, hallelujah. You know, we had been in Israel, we had been to the actual site where Jesus was baptized. और देखिए इज़राइल में गए हैं और उस खास जगह पर भी गए हैं जहां पर यीशु को बपतिस्मा दिया गया था. That's the same place where Elijah ascended to heaven. और ये वही जगह है जहां पर से एलिया को स्वर्ग पे उठा लिया गया. When we reached that place, जब उस जगह पे पहुंचे, we could feel the strong presence of God. और परमेश्वर की जबरदस्त उपस्थिति को महसूस करते. They did not want to leave that place. और वे उस जगह से निकलना ही नहीं चाहते थे. Now watch this. और सुने. As Jesus stepped into those waters, और जैसे यीशु ने पानी में कदम रखा, he had not performed one miracle. तब तक कोई आशकम उन्होंने नहीं किया था. And you know, the voice comes from heaven. और आप जानते हैं स्वर्ग से एक आवाज आती है. This is my beloved son. ये मेरा प्रिय पुत्र है. In whom I am well pleased. जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ. My friend. मेरे दोस्त. Jesus is the son of God. यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं. Jesus is better than angels. Why? Because he has a name better than any of the angels. यीशु स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है. क्यों? क्योंकि यीशु का नाम दूसरे सभी स्वर्गदूतों के नाम से ऊंचा है, महान है. The Bible says in Philippians. बाइबल ऐसा कहते हैं फिलिपियों के पत्र में. His name is lifted up higher than any other name. उसका नाम दूसरे सभी नामों से ज्यादा ऊंचा उठाया गया है. So why is Jesus better than the angels? तो क्यों यीशु स्वर्गदूतों से ज्यादा श्रेष्ठ है? Because he has a better name. क्योंकि उसके पास श्रेष्ठ और बेहतर नाम है. Today, आज, thank God for all the angels. परमेश्वर का धन्यवाद सभी स्वर्गदूतों के लिए. But I will bow my knee before that one name. Hallelujah. लेकिन हम अपने घुटने टेकेंगे सिर्फ एक नाम के आगे. I will bow my head before that name of Jesus. हम अपने सिरों को झुकाएंगे यीशु के नाम के आगे. You can lift your hand and say Jesus right now. अगर आप अपने हाथ उठाकर कह सकते हैं यीशु इस वक्त. You are Lord. तू प्रभु है. You are better than all the angels. सभी स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है. And do you know what, church? और आप जानते हैं कि I see it in the spirit right now. अपने आत्मा में देखे पास में. The angels are saying amen. Hallelujah. और स्वर्गदूत कह रहे हैं आमेन इस वक्त. They are not like us. वे हमारे जैसे नहीं. Hello, अरे हमारा नाम नहीं लिया तो गुस्सा हो गए. When they hear somebody taking the name of Jesus, you know, they will bow before that name. और देखिए जब वे सुनते हैं यीशु का नाम ऊंचा उठाया जा रहा है तो देखिए उनके आगे वो झुक जाते हैं. Today, आज, tonight, आज रात, God will speak to you. परमेश्वर आपसे बात करेगा. Let me go to the second one. चलिए जाते दूसरे बात पे. I hope this is a blessing to you. आशा करते हैं आपके लिए आशीष पहुंच गई है. Verse 6. Let's go to verse 6. छठा वचन जल्दी से. And when he again brings the firstborn into the world, he says, let all the angels, not some of the angels, let all the angels of God worship him. This was a command to the angels. छठे वचन में देखें, और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत, परमेश्वर कुछ स्वर्गदूत नहीं लेकिन परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें. Jesus is better than the angels because he is worshiped by the angels themselves. हम देखते हैं यीशु स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है क्योंकि स्वर्गदूत खुद यीशु की आराधना करते हैं. Hallelujah. Okay, hallelujah. I'm telling you, church. आपसे कहना चाहते हैं कलीसिया. Millions and millions of angels, they worship the Lord. लाखों करोड़ों स्वर्गदूत में प्रभु की आराधना करते हैं. Today, आज. Can you bow your head, bow your knees, and today in your homes, wherever you are, and say, God, Jesus, Lord, you are worthy of worship. क्या आज आप अपने घुटने टेकेंगे जहाँ कहीं भी अपने घर में और कहेंगे कि प्रभु
यीशु तू सब स्वर्गदूतों से ज्यादा श्रेष्ठ है, महान है। I think it was the 12th century or the 14th century, I'm not sure. और 12वीं सदी या 14वीं सदी की बात है। There was this man of God who was preaching the gospel. परमेश्वर के एक जन हुआ करते थे जो सुसमाचार का प्रचार करते। And in that town, in that village, there was a man who did not believe in the gospel. उस नगर में, उस गांव में एक व्यक्ति हुआ करता था जो सुसमाचार में विश्वास नहीं करता था। He used to always say, वो हमेशा कहता, There's no God. कोई परमेश्वर नहीं है। There's no God. परमेश्वर नामक कोई And this preacher said, और ये प्रचारक कहते, Men can say there is no God. Men can will not bow before God, but animals also know that there is God. इंसान कह सकते हैं कि परमेश्वर नहीं है, इंसान परमेश्वर के आगे घुटने या झुकेगा नहीं, लेकिन जानवर लोग जानते हैं परमेश्वर है। And this fellow laughed at the preacher. और ये व्यक्ति जो है उस प्रचारक पर हंसने लगा। He says, you will see now. He took his, I don't know whether it was a cow or a buffalo. He starved him for some days. और कुछ दिनों तक उसे भूखा रखा। When you hold a Bible in your hand, this animal bows. He says, I will agree that there is God. और देखे, now imagine that animal, poor animal is starved. और जरा कल्पना करें कि वो बेचारा, वो जानवर एकदम भूखा है। And he's standing with grass on the opposite side. और वो उसके दूसरी ओर वो घास लेकर खड़ा है। And at opposite side, the preacher is bowed with his Bible like this. और दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो प्रचारक अपने बाइबल को लेकर ऐसे झुके हुए हैं। And the animal, let me tell you, this is a true story. सच्ची कहानी है। The animal, वो जानवर, he looked at like this. और उसने ऐसे देखा। He looked like this. और वैसे भी देखा। Please understand, it's not a human being, it's an animal. ये कोई इंसान नहीं था, ये जानवर था। And he goes before the preacher. और प्रचारक के सामने जाता है। And bows with his feet down. और अपने पैरों से वहाँ पे वो झुकता है। The whole village, पूरा गांव, turned to the Lord, प्रभु की ओर मुड़ गया। In Europe, Europe. This is how the gospel came, church. इसी तरीके से तो सुसमाचार आया कलीसिया। Even animals know how to worship the Lord. जानवर लोग भी जानते हैं कैसे परमेश्वर की आराधना की जाती है। It's time that we know how to worship the Lord. ये समय आ चुका है कि हम जाने कि परमेश्वर की आराधना कैसे। We are dust and mud. हम मिट्टी हैं, धूल हैं। We should know how to worship the Lord. हमें पता होना चाहिए परमेश्वर कैसे आराधना। A man or a woman who worships the Lord, एक आदमी, एक औरत जो परमेश्वर की आराधना करती है, will always hear the voice of God. हमेशा प्रभु की आवाज को सुनेंगे। Lift your hand and shout hallelujah. अपने हाथ उठा चिल्ला हालेलुया। There is one person that God will speak to. It is a worshipper. एक व्यक्ति जिससे परमेश्वर हमेशा बात करेगा, वो है आराधक। Lift your hands right now. चलिए अपने हाथ उठाएं। You may be poor, you may be broken. शायद आप कोई गरीब व्यक्ति या टूटे व्यक्ति हो। Today raise your hand. लेकिन अपने हाथ उठाएं आज। And say, oh Lord. Okay, hey प्रभु। I worship you. मैं आपकी आराधना करता हूं। I honor you, O God of heaven. मैं आदर करता हूं प्रभु। God will speak to you. परमेश्वर आपसे बात करेगा। God will speak to you. परमेश्वर आपसे बात करेगा। God bless you for worshiping the Lord. परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। As I'm speaking right now, the anointing is flowing. जैसे पादमा जी बोल रहे हैं, अभिषेक बह रहा है। Don't say you are poor. ऐसा मत बोलिए आप गरीब हैं। Your story is changing today. आपकी कहानी बदल रही है आज। Is this blessing you, church? क्या आपको आशीष पहुंचा रही है? When I read that story, church, I tell you. पासपान जी ने इस कहानी को पढ़ा, बताते हैं। I cried. रो उठे। There are times when I have not worshipped the Lord as I should. और ऐसे भी दौर थे जब पासपान जी उस तरह से प्रभु की आराधना नहीं की जैसे किया जाना चाहिए। But a hungry animal. लेकिन एक भूखा जानवर, overcoming the flesh, अपने शरीर पर जय पाते हुए, to and bow its knees, और अपने घुटने ठेकता है, it's amazing, यह अद्भुत है, hallelujah, गए hallelujah, there was grass on the other side, how that animal said no to the flesh, कैसे उस जानवर ने अपने शरीर को ना बोला, Jesus, यीशु, why Jesus is better than the angels because he's worshipped by the angels, they are so powerful, they are so glorious, but they worship Jesus. और क्यों यीशु सभी स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ हैं? क्योंकि आप देखते हैं सब स्वर्गदूत यीशु की आराधना करते हुए बहुत ही सामर्थ्यशाली, जबरदस्त है, लेकिन सब के सब यीशु की आराधना करते हैं। Why is Jesus better than the angels? क्यों यीशु स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है? Verse 7, and of the angels he says, who makes his angels spirits and his ministers a flame of fire. और देखिए वचन में आगे लिखा, और स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है कि वह अपने दूतों को आत्मा और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। Notice over here, angels are referred to as servants. यहाँ पे देखिए स्वर्गदूतों को देखिए सेवक के रूप में बताया गया। If they are servants, अगर वे सेवक हैं, then who is Lord? तो प्रभु कौन है? Jesus is Lord. यीशु ही प्रभु है। Hallelujah. Hallelujah. Are you listening right now? सुन रहे इस वक्त? Angels are servants. स्वर्गदूत सेवक हैं। Mighty servants. सामर्थ्यशाली सेवक। Faithful servants. विश्वासयोग्य सेवक। Good servants. अच्छे सेवक। But they worship the Lord. They are servants. So Jesus is Lord. Jesus is Master. So that is why Jesus is better than the angels. तो अब देखते हैं यीशु ही प्रभु है, यीशु ही स्वामी है, और इसी वजह से यीशु सभी स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। आखिरी। See what it says. Verse 9 says, you have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore God
your God has anointed you. देखिए नवावश्य कह रहा है, तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर, हाँ तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर तुझे अभिषेक किया है. The Father Himself calls him God. और देखिए यहाँ पर पिता खुद उसे परमेश्वर कहता है. Jesus is better than the angels because He's God. देखते हैं यीशु सर्वदूतों से श्रेष्ठ है क्योंकि यीशु परमेश्वर है. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. Angels will not worship creation. स्वर्गदूत जो सृष्टि की चीजों की आराधना नहीं करेंगे. They are spirits. They are mighty. वे आत्मिक हैं, वे सामर्थ्यशाली हैं. Jesus is God. लेकिन यीशु परमेश्वर है. Some people call him great philosopher. और कुछ लोग उसे महान तत्वज्ञानी कहते हैं. They call him a prophet. Oh yes, I believe he's a prophet. वे उसे भविष्यवक्ता के रूप में संबोधित करते हैं. हाँ, मैं विश्वास करता हूँ वो एक भविष्यवक्ता थे. My friend, मेरे दोस्त, angels don't worship prophets. स्वर्गदूत किसी भविष्यवक्ता की आराधना नहीं करते. Angels worship God. स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते हैं. See these scriptures. इन वचनों को देखिएगा. Today are you in doubt? आज क्या आप संदेह में हैं? Then let that doubt go away. तो होने दीजिए वो संदेह निकल जाए. Today, आज, the Bible says Jesus is Lord, He is God, and He is Savior. बाइबल ऐसा कहती है कि यीशु ही प्रभु है, वही परमेश्वर है और वही उद्धार करता है. If you have not given your life to Jesus, अगर आपने अपनी जिंदगी यीशु के हवाले नहीं किया है, then today is the day to give your life over to Jesus. आज वो दिन है कि अपनी जिंदगी यीशु के हवाले करें. I showed you, आपको दिखाया हमने, and how God will speak to you. कि कैसे परमेश्वर आपसे बातें करेगा. And I told you how Jesus is better than the angels. और आपको ये भी बताया कि कैसे यीशु सर्वदूतों से श्रेष्ठ है. Jesus said, यीशु ने कहा, My sheep. मेरी भेड़ें will hear my voice. मेरी आवाज को सुनेंगे. When you confess Jesus as your Lord, as your God, and as your Savior, you become His sheep. जब आप यीशु को अपने प्रभु, अपने परमेश्वर और अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तब आप उसकी भेड़ बन जाते हैं. Hallelujah.